हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हेयर ऑयल बनाने जा रही हूँ। वो हेयर ऑयल बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद है और उसको बड़े और बच्चे सब लगा सकते हैं, बूढ़े सब लगा सकते हैं। बालों आजकल बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जल्दी कम एज में पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने बच्चों को ये हेयर ऑयल ज़रूर बना के लगाएं, आपके बच्चों का बाल झड़ना, डैंड्रफ और बाल पकना सब बंद हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है और सारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाला है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत होगी, देखिए, मेथी दाना लिया है और कलौंजी लिया है मैंने, और चाय की पत्ती ली है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है तीनों, इसके बारे में तो हम आपको बता नहीं सकते, आप इतना फ़ायदेमंद है, आप इसको सर्च करके ज़रूर देख लेना। और ये भंगराज है, ये भी तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। तो इसका हम तेल बना के दिखाते हैं। इन तीनों चीज़ों को पहले हम ग्राइंड कर लेंगे साथ में। फ्रेंड्स, इसमें 10 से 12 मैंने लौंग डाला है, इससे आपको बाल इतना सिल्की और शाइनिंग हो जाएगा कि आपको कंडीशनर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे मेथी है इसमें, वैसे भी सिल्की और शाइनिंग, लेकिन इससे और भी ज़्यादा होता है। तो आप इसको, अगर आपके घर में होगा तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम तेल बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से पेस्ट हो गया है, देखिए। और इसको अब हम तेल में बनाएंगे। तेल आप तेल अपने पसंद का ले लेना, चाहे सरसों का ले लेना और चाहे नारियल का, कैस्टर्ड ऑयल जो आपके पास अवेलेबल होगा उससे बना लेना। ये सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन गर्मी का महीना है फ्रेंड्स, तो आप लोग मत बनाना। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी थोड़ा कम पड़ती है, इसलिए हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नारियल के तेल में ही बना सकते हैं इसे। तो इसको फ्रेंड्स कैसे बनाना होगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और मैं तो इसको यही बोलूँगी फ्रेंड्स, आप लोग लोहे की कढ़ाई ज़रूर लेना, और मैंने लोहे की कढ़ाई लिया है। एक चम्मच भर के इसमें भंगराज पाउडर डाल देंगे, क्योंकि ताज़ी पत्तियाँ तो नहीं मिलती है यहाँ पर शहर में, और गाँव में तो बहुत आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स। तो इसमें हम इसका पाउडर डाल दिए हैं। मैं इसमें सरसों का तेल डाली हूँ फ्रेंड्स, आपके पास जो अवेलेबल होगा आप डाल देना, मेरे पास यही अवेलेबल था, मैंने यही डाला है। और आप नारियल का तेल, कस्टर्ड ऑयल, और इसमें कस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा कम करनी चाहिए, दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं, नारियल और कस्टर्ड ऑयल। और मैंने सरसों का तेल में बनाया, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपके घर में जो अवेलेबल होगा आप डाल देना फ्रेंड्स। और अगर आपको ये पत्तियों में मिलेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं मिलेगा तो आप आयुर्वेदिक शॉप पे या पंसारी के दुकान पे इसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें मेथी और मेथी का चाय पत्ती और जो कलौंजी पीसा था उसको भी इसमें डाल देंगे, और इसको धीमी आंच पे ही हम पकाएंगे तेल को। और फ्रेंड्स, अगर आप विश्वास करोगे तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसको लगाने का। और ये बच्चे और बड़े सब लगा सकते हैं, आजकल कम उम्र में भी बच्चों के बाल पक रहे हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। बच्चे और बड़े सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप अपने बच्चों को केमिकल की जगह ये तेल बना के लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, ये तेल अगर आपको पकता हुआ दिखेगा तो इसका कलर बहुत अच्छा अलग से ही आएगा, इसका एक अपना कलर होगा। और इसको धीमी आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट ही इसको पकाना है। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है 24 घंटे के लिए, एकदम से कलर एकदम चेंज कर देगा इसका। और उसके बाद इसको हम अपने बालों पर लगाएंगे फ्रेंड्स। फिर इसको हम 24 घंटे बाद देखेंगे, यानी कि कल सुबह इसको हम देखेंगे और इसका कलर कैसा होता है हम आपको दिखाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 24 घंटा इसे रखा था और ये एकदम अच्छे से बन गया है। और इसको हम किसी शीशी या कांच के बोतल में भर के रख लेंगे, और इसको ताकि सेक करके और इसको हम अपने सर में अप्लाई करेंगे। तो सर इसको ऐसे ही भर के रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है और मैं इसको बालों में लगा के दिखाती हूँ।
इसको फ्रेंड्स हम अपने स्कैल्प में लगा के आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। फ्रेंड्स इसको ना अपने जड़ में ही लगा के इसको अच्छे से अपने जड़ में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से असर करेगा। और लगा के इसको अच्छे से ऐसे मसाज करना है अपना खुद पूरे सब में बहुत सारा लगा लेना। स्कैल्प में जरूर लगाना फ्रेंड, जो झड़ता है और डैंड्रफ होता है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसमें मेथी है और इसमें चाय की पत्ती है, मेथी है और इसमें मंगरेल है जो अचार में पड़ता है, वो सारा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे अच्छा है इसमें फ्रेंड्स वंगराज का पाउडर है, वो आप लोग इसमें ज़रूर ऐड करना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स इसको अच्छे से ऐसे मसाज कर लेना बहुत सारा तेल लगा के, और इसको रूट में भी लगा के ऐसे करके, और आप इसको जूड़ा करके ओवरनाइट लगा सकते हैं। आप पुराना पिल्लो या कुछ रख के आप अपने तकिए के ऊपर, ताकि वो गंदा ना हो, पुराना कपड़ा रख के अगर आप लगाएंगे तो फिर आपका पिल्लो नहीं गंदा होगा। और इसको लगा के जूड़ा बना सकते हैं फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गया है, और आप इसको ट्राई करना, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको बड़े बच्चे बूढ़े सब लगा सकते हैं, और इससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू।